कमाल कर दिया भाई ये जसप्रीत बुमराह एक बार तो ऐसा लगा जब देखा हमने स्टोक्स स्टोक्स को आउट होते हुए कि कि चीटिंग करता है यार ये ऐसा स्टोक्स का एक्चुअली एक्सप्रेशन था बॉल पड़ी तो लेकिन उसके बाद तो दिखी नहीं है सीधा जाके डंडे पे लगी है मुझे नहीं रखना है ये बैट अपने पास रखो आई मीन दैट वाज समथिंग इनक्रेडिबल जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने uh, वो इतिहास के वन ऑफ द फाइनेस्ट बोलर्स को उनके पीक परफॉर्मेंस पर देख रहे हैं uh,

मिशन होम डोमिनेशन में अब मैं कह सकता हूं भाई हाथ जोड़ के आपका स्वागत है क्योंकि अब प्रतीत हुआ है कि मिशन एक्चुअली में होम डोमिनेशन जैसा है कि यहां पर वाकई में थोड़ा सा डोमिनेट किया है हालांकि आई बी वेरी ऑनेस्ट एब्सोल्युटली हैंड ऑन हार्ट एंड हियर एज वेल कि जब भारतीय टीम ने मात्र 396 बनाए 400 में 4 चार चार कम मैंने कहा भैया ये चाय में चीनी कम है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मतलब गलत है ये आपके पास एडवांटेज है जिसको आप कंसीड uh, कर जा रहे हैं आप उसको गवा जा रहे हैं एक बंदा तो 209 बना देता है लेकिन बाकियों का क्या यार चौदह चौंतीस सत्ताईस बत्तीस सत्ताईस सत्रह बीस फैक्ट है कि पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कि अः तीन चार पांच मतलब ये सब लोग जो है वो पहुंचते जरूर है पच्चीस के पार लेकिन पैंतीस के ऊपर नहीं पहुंच पाता कोई भी मेरे यार आई I मीन mean, एक बंदा बनाता दो सौ रन साथ में कोई चालीस भी नहीं बनाता है अल्टीमेटली भारत तीन सौ पे सिमट जाता है और पहले यशस्वी की बात करता हूँ we'll ये लड़का बहुत खास है यार ये कहते हैं कि वो वो मुश्किलें झेल के जब आप आते हैं ना तो फिर जब आपको मौका मिलता है आप उसको गंवाना नहीं चाहते यू जस्ट होल्ड ऑन टू चाहतेट कि जैसे ना आ, नहीं ये ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है मैंने बहुत जिंदगी भर तपस्या की है उसके बाद में यहां तक पहुंचाऊ और इस वजह से जब आप इनको खेलते हुए देखते हैं ना एक अलग अंदाज में देखते हैं

मतलब सारे रन तो आधे से ज्यादा रन तो आप ही बना रहे हो और जिसमें सात छक्के भी हैं इनफैक्ट बहुत कम पारियां हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेटर्स की अगर हम देखें जिन्होंने इनसे ज्यादा छह रन लगाए छक्के लगाए इन सिंगल टेस्ट इनिंग्स वीरू ने भी कभी इतने नहीं लगाए दो तिहरे शतक उन्होंने लगाए लेकिन इतने छक्के उन्होंने भी नहीं लगाए यशस्वी का जो खेलने का अंदाज है उसमें एक चीज बड़ी स्टैंड आउट थी कि सबकी पिटाई कर रहे थे हर किसी को उन्होंने मतलब रडार पे वो कह रहे हैं आड़े हाथों लिया हुआ था पर बहुत सम्मान दिया इन्होंने जिमी एंडरसन को उन्होंने कहा देखिए आपका सम्मान बाकी सबका समान बांध दिया जाएगा और और लाइटर नोट मुझे तो ये भी लगा कि 22 साल का बच्चा भारतीय जब 22 साल का बच्चा होता है ना तो सामने कोई इकतालीस साल का व्यक्ति आता है तो हमारे मुंह से अपने आप ही भैया निकल जाता है या फिर सर निकल जाता है तो उन्होंने कहा जिम्मी भैया जिमी सर आपको मैं बड़े ध्यान से खेलूंगा संभल संभल के खेलूंगा बाकी सबको फोड़ दूंगा उस अंदाज में बैटिंग की है और ये लड़का बहुत दूर जाएगा ये बहुत होनहार है और बड़ा कलाकार है एंड वी वी आर वेरी हैप्पी डिलाइटेड कि भारतीय क्रिकेट के पास एक और ये उभरता हुआ सितारा है जो जो बहुत बहुत जोर से चमकेगा और बहुत लंबे समय तक चमकेगा इस बिन ब्रिलियंट इन्होंने अपना दौरा शतक जड़ दिया भारतीय टीम तीन तो सौ तक पहुंच जाती है जिमी एंडरसन ने फिर बता दिया यार कि मतलब क्या क्या गेंदबाज है यार ये आई मीन जिमी एंडरसन मतलब ना पहले वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से लेकर फिर हाइब्रिड गाड़ियां आई सी वाली आई अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं वो हजारों तरीके के व्हीकल बदल गए हैं ये बंदा अभी भी चल रहा है तब टेलीग्राम थे अब चैट जीपीटी पे आ गए तब भी चल रहा है आ, वो डाकिया डाक लाया होता था अब अब आई मीन I mean, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इनक्रिप्टेड ये फिर भी चल रहा है यार पच्चीस ओवर डाले हैं मात्र सैंतालीस से रन दिए और तीन विकेट यार तीन में से शुभमन गिल का विकेट भी इनको इन्होंने लिया आई मीन व्हाट अ फिनोमिनल बोलर तो ये अलग है हालांकि स्पिनर्स ने भी विकेट लिए बशीर ने भी लिए और रेहान ने भी लिए तीन सौ छियानवे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा था भारतीय टीम पीछे इंग्लैंड अगर थोड़ी सी भी डिसेंट बैटिंग करेगा तो इस स्कोर को यह पालेगा और पहला सेशन इन्होंने जीता और पहला सेशन जीता पिछले दिन का आखिरी सेशन जीता दो सेशन लगातार जीत के इंग्लैंड थोड़ा सा सुदृढ़ स्थिति में आने वाली बात बन रहा था लेकिन फिर दूसरे सेशन में भारत करता है वापसी रन बने तो क्योंकि बनेंगे एक सौ तो तेईस रन एक्चुअली कुल बने दूसरे सेशन में पर चार विकेट गिरती है और जसप्रीत बुमराह ओ यार क्या बोलर है भाई है? ये अलग है वंस इन जनरेशन बोलर है फास्टेस्ट टू 150 विकेट्स अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें अगर इनकी एवरेज के अनुसार देखें जो औसत कहते हैं उसमें ये 20 के औसत में है इनसे बेहतर मतलब कौन है वो बहुत पहले उन्होंने वो सो 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 वो वो 1900 में 1901 से 1914 तक की की थी सिडनी गेंदबाजी कर रहे हैं आ, पोप का जो विकेट है आई मीन ओली पोप के विकेट को ना आप उसका एनएफ्टीबल डिजिटल में रखो उसको पांच बार उनको आउट कर चुके हैं लेकिन ये जिस तरीके से इस बार आउट किया है ना वो जो लेजर गाइडेड मिसाइल थी अः भाई अंदर की तरफ आती है जड़ में पड़ती है गिलिया किलियां सारी बाहर जसप्रीत बुमराह गजब गेंद थी वो उससे पहले वो जो रूट को आउट करते हैं अब जो रूट भी आठ बार आउट कर चुके हैं ये सोचिए जरा और ऐसा प्रतीत हुआ आई मीन जो रूट को देख के ना ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें लग रहा है कि देखो ये मेरे साथ ये गेंदबाज ये काम करने वाला है आ ये मुझे अंदर डालता है थोड़ा सा पकाता है फिर बाहर लेके जाता है आई नो मै को वॉच कर रहा हूँ और उसके बावजूद आप आउट हो जाते हैं तो असहाय फील करते हैं आप आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं और वैसा फील कर रहे हैं इस समय जो रूट की यार मॉडर्न ग्रेट है वो उनके उतने टेस्ट रन हैं जितने पूरे भारतीय स्क्वाड के लिए है। आ, पर आ, वो ऐसे घुटने टेक जाए और कंसीड कर जाए डिफीट की यार भाई तू बहुत तगड़ा बोलर है तू अलग श्रेणी में है आई I मीन mean, जसप्रीत बुमराह वहां पे भी नहीं रुके एक्चुअली बेस्टो को भी आउट उन्होंने किया फिर छह विकेट उन्होंने चटकाए

गिल ने अच्छा किया ये थोड़ा दिखाया कि स्विच ऑन है आ, क्योंकि जगह पे सवाल है रन उतने बने नहीं है थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं आ, पर कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ना स्लिप में कैचेस मुश्किल होते हैं इन्होंने सारे जितने इनकी तरफ गए उन्होंने सारे वो कैचेस पकड़े एक शेयर सैयद ने पीछे भाग के भी अच्छा कैच पकड़ा कुलदीप यादव इज मेड अ कम अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलदीप यादव को ना साल में एक टेस्ट खिलाते हैं वैसे खिलाते नहीं ज्यादा लास्ट टाइम जब खेले थे तो प्लेयर ऑफ द मैच था उसके अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था उसके बाद फिर कभी खिलाया नहीं था अब जब खिलाया तो तीन विकेट इन्होंने चटका दिए है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है डकेट को शुरू में आउट किया फोक्स को या फॉक्स किया और रेहान अहमद को खैर वहाँ थोड़ा भाग्य का साथ था बैट बॉल के बहुत नीचे जाके लगती है नहीं बॉल जो है बैट के बहुत नीचे जाके लगती है और गिल के हाथ में गेंद चली जाती है पर कुलदीप ने भी अपना काम कर दिया है मैच कहाँ खड़ा है एक रन की लीड पर खड़ा है भारत की पूरी दस विकेट हाथ में है पूरे तीसरे दिन के खेल में बैटिंग करनी चाहिए भारत को पूरे तरीके से वो पूरे दिन करो, बहुत सारे रन बनाओ चौथे दिन आ, फिर एक्सम स्टेज डिक्लेयर कर दो और या फिर ऑल आउट हो जाओगे तो 400 सौ साढ़े रन तक की लीड प्राप्त कीजिए अदरवाइज uh, uh, कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इज व्हाट आई फील पर uh, एक और चीज हम करते हैं ना आजकल उसके हम एक छोटी सी के भी बनाते हैं शॉर्ट्स डालते हैं uh, जबरदस्त आ, तो सबसे पहले तो अस्त क्या था अस्त ये कहानी थी इस टीम की अगर हम बात करें इंग्लैंड की बैटिंग यार इंग्लैंड की बैटिंग अस्त हौसले I mean, आई मीन अच्छी पिच के ऊपर अच्छी शुरुआत के बाद जैक क्रॉली बैटेड लाइक अ ड्रीम मतलब रन अ बॉल छहत्तर ऑलमोस्ट बना दी उन्होंने बेन डकेट के साथ शुरुआत भी अच्छी मिल गई थी आ, पर उसके बाद जब आप एकदम से धड़ा हो जाते हैं तो इसका मतलब अस्त हो गया यार आ, ये जो है वो वैसे ईस्ट ऑफ इंडिया में थोड़ी जल्दी हो जाता है और इस टीम का भी इस बैटिंग यूनिट का बहुत बड़ी थी आ, पर अस्त नजर आई मतलब उतनी ज्यादा मजेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए आ, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़े से मस्त कौन थे आ, भाई मस्त हमारे थे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दो सौ तक पहुंचते हैं दैट्स वेरी मस्त बैटिंग एकदम और साथ में कुलदीप यादव उन्होंने भी तीन विकेट चटकाए फर्स्ट यशस्वी जायसवाल भारत का भविष्य भारत का वर्तमान बना लिया है एक और कीर्तिमान क्रिकेट का तपस्वी है नाम यशस्वी है आ, मौका मिलता मुझे अगर कमेंट्री करने का ऑन हिज डबल सेंचुरी आई वुड सेड दिस बना लेते हैं। करेंगे उसकी कोशिश पर इज ब्रिलियंट एब्सोल्युटली मस्त खिलाड़ी और मस्त परफॉर्मेंस जो थी वो कुलदीप यादव से भी आई तीन विकेट उन्होंने चटकाई और बड़े अच्छे से कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है इट्स 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 नॉट फेयर कि जब भी वो खेलते हैं ऐसा लगता है कि जगह पे सवाल है फर्स्ट के रूप में नहीं खेलते वो जड्डू इंजर्ड होते हैं तब मौका मिलता है पर जब भी ये, अच्छा तो ये एक एक जबरदस्त भैया एक ही बंदा था बंदे का नाम है जसप्रीत बुमराह फास्टेस्ट वन फिफ्टी विकेट औसत मात्र बीस की है छह विकेट उन्होंने चटकाई है पंद्रह दशमलव पांच ओवर हमें छह विकेट चटका देना टॉप को साफ करना टेल को उड़ा देना जो रूट को अपना बनी बना देना आठवीं बार आउट करना ओली पॉप के सामने वो गेंद गेंद डाल देना जो कह सकते हैं हम बॉल ऑफ द ईयर 2024 ऑलरेडी इससे बेहतर शायद आपको देखने को ना मिले अनलेस खुद ही वो बॉल डाल दे आ, हाई स्पीड इनक्रेडिबल रिवर्स स्विंग और रिवर्स स्विंग में भी अंदर भी डालते हैं और बाहर भी लेके जाते हैं मतलब रेयर स्किल है ये किसी के पास होना जो दोनों तरफ बॉल को हिलाने की रखता हो काबिलियत

टो प्लीज आज के लिए इतना ही है